हे गाइस, क्या हालचाल? सब बढ़िया हैं? अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ और आपका भाई देख के आ चुका है। दोस्तों आज विक्रांत रोड़ा मूवी, जिसको लेकर बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था, जिसको लेकर बहुत सारी हाइप थी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कैसी मूवी होगी, एंड फाइनली ये मूवी मैंने देख ली है। तो कैसी मूवी है, इसका रिव्यू मैं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा इस फिल्म की जो कहानी है, एक ऐसे गांव की है जहां पर ब्रह्म राक्षस को लेकर और उस गांव में हो रहे मर्डर्स को लेकर बहुत दहशत है। गांव वाले डरे हुए हैं, यहां तक कि एक पुलिस ऑफिसर की भी जान जा चुकी है, उसको भी मार दिया गया है। जी हां दोस्तों, तो गांव में जो मर्डर्स हो रहे हैं, जो ब्रह्म राक्षस को लेकर बातें चल रही हैं, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, सारी चीजें मूवी के एंड होते होते सुलझ जाती हैं। अब देखिए, फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है ना, उसमें देखिए आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलेंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, क्या ये होगा, वो होगा, यू नो, बहुत सारे सवाल आपके जहन में चल रहे होंगे, लेकिन कुछ भी उस टाइम पे क्लियर नहीं हो रहा होगा। और यार, अगर क्लियर हो जाएगा तो सस्पेंस किस बात का, आप देखेंगे क्यों मूवी। तो बहुत सारी चीजें फर्स्ट हाफ में आपके दिमाग में चलने वाली है कि ब्रह्म राक्षस कौन है और कौन है इन बच्चों का कातिल, कौन मार रहा है लोगों को। जी हाँ, वाकई में कोई ब्रह्म राक्षस है या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है। इंटरवल के बाद धीरे धीरे करके आपके सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, जो पहेलियां हैं वो धीरे धीरे करके सुलझनी शुरू हो जाती हैं, पर जब तक खुलासा नहीं होता एंड तक, आपको लगता रहेगा कहीं ब्रह्म राक्षस की जगह ये तो नहीं जो ये सब कुछ कर रहा है, कहीं वो तो नहीं। आपकी शक की सुई यहां से वहां, वहां से यहां जाएगी, लेकिन किसी एक पर टिक नहीं पाएगी। जी हाँ, इतना थ्रिल, इतना सस्पेंस आपको मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी डाले गए हैं मूवी के अंदर जहां आप अचानक से चौंक जाएंगे। आप 3D में देखेंगे ना तो और ज्यादा चौंकेंगे। कुछ जगह पे देखिए, एक्शन में जिस तरह से स्लो मोशन दिखाया गया है विजुअल्स के साथ, कमाल यार, वो जो आग जल रही है स्लो मोशन है, यू नो, वो जो सीन फिल्माया गया है अमेजिंग। मेरे बगल में जो लोग बैठे थे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, मतलब मजा आएगा उस जगह पे। फिल्म देखिए बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ऐसी ना हो जाए लोग बोर होने लग जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए इसमें लव एंगल भी डाला गया है हीरो हीरोइन के बीच में। जी हाँ दोस्तों, दो तीन जगह पर फिल्म में ऐसे इमोशनल सीन्स भी हैं कि आपको वो दिल को छुएंगे, आप भावुक से हो जाएंगे, यू नो, आप उस चीज़ को फील करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और यार क्लाइमेक्स, अगर मैं क्लाइमेक्स की बात करूँ तो एंड के जो कुछ मिनट्स है, 20-30 मिनट्स है, कमाल। जी हाँ, वहां पे आप डरेंगे, वहां पे आप चौंकेंगे, वहां पे आप रोएंगे। जो कॉम्बो है, जो मिक्सचर डाला है यार, वो मतलब अमेजिंग है। पैसा वसूल तो वहीं पे हो जाता है सारा का सारा। और सबसे ज्यादा जो आपको चौंकाएगा ना, वो है सुदीप किचक की पर्सनल लाइफ, वो किस तरह से भाई इन सारे कांडों से, उन सारी चीजों से कनेक्ट करती है, वो जब खुलेगी ना तो आप चौंकेंगे। देखिए मैं नहीं बताऊंगा, वो स्पॉइलर हो जाएगा, उसके लिए आपको मूवी देख के खुद फील करना पड़ेगा। ठीक है, बात करेंगे यहां पर हम दोस्तों एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में। सुदीप किचक अपने आप में कितनी बड़ी हंसती है, क्या कमाल की एक्टिंग करते हैं। जब वो भाई पुलिस अफसर के रोल में आते हैं, एंट्री करते हैं, जिस तरह से अपनी डायलॉग डिलीवरी करते हैं, जिस तरह से उनकी प्रेजेंस है फिल्म के अंदर, यस आप उसे एंजॉय करेंगे। जो एफर्टलेस एक्टिंग उन्होंने करी है, पुलिस अफसर के किरदार को जिस तरह से निभाया है, आप डेफिनेटली यार बहुत ज्यादा मजे लेने वाले हैं। इसमें जो हीरो हैं दोस्तों, वो हैं नीरो भंडारी। जी हाँ, नीरो भंडारी का कैरेक्टर भी आपको अच्छा लगने वाला है। और संग में जो एक्ट्रेस हैं वो हैं नीता अशोक, जिन्होंने अपनी जगह पे अच्छा काम किया है, जितना उन्हें रोल मिला है उस सीन के संग उन्होंने जस्टिस किया है। अब देखिए, बहुत बात हो रही थी जैकलिन भी इस मूवी में होने वाली है, तो यस जैकलिन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जैकलिन का इस्तेमाल कहीं ना कहीं सिर्फ ग्लैमर सीन्स के लिए किया गया है, आइटम सॉन्ग के लिए किया गया है। इतना सा रोल आपको मिलने वाला है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस उनको नहीं दिया गया है, तो उनको एक तरीके से आप नाचते गाते हुए फिल्म में देखने वाले हैं। ठीक है, अब जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अनूप भंडारी, उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने फिल्म को बनाया है, आप यस एन्जॉय करने वाले हैं, आपके लिए एक अच्छी मूवी आई है। दो बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो दो बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। पहली बात यह है, जब आप फिल्म देखें ना, तो पूरी फिल्म को यार कॉन्सेंट्रेशन के संग देखना, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने कहीं स्किप किया, कहीं मिस किया, तो ऐसे चांसेस हैं कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो ये फिल्म आपसे कहेगी कि पूरे कॉन्सेंट्रेशन के संग देखो। और दूसरी बात यह, अगर आप बच्चों को दिखाने जा रहे हैं तो बच्चों को यार थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं, कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ कहीं ना कहीं बच्चे थोड़े से चौंक सकते हैं, तो इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो 3D में देखेगा, आपको और ज्यादा मजा आएगा, आपको ऐसा लगेगा यार चीजें कैसी पास पास आ रही हैं, आप उसे ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम जानते हैं कल फ्राइडे है, कल आने वाली है एक विलन, तो भाई इसके संग इसका क्लैश तो है ही। अब जो क्राउड है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, तो ये मूवी तो यार बढ़िया है, आप देख सकते हो, मजे कर सकते हो। बाकी वो मूवी कैसी होगी, एक विलन, क्या वो टक्कर दे पाएगी पुराने वाली मूवी को, ये आप जानेंगे कल जब मैं रिव्यू करूंगा। वेल, अगर आपने देख लिया विक्रांत रोड़ा तो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताइए, ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज बताइए यार, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सिंपल सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो यस, मैं कोशिश करता रहूंगा कि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया काम करता रहूं, सभी मूवी के रिव्यूज आपको देता रहूं। सो अभी अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।